और सिद्धार्थ जिन्होंने बहुत ऑनलाइन एज अ प्रोडक्शन और एज अ प्रोड्यूसर मेहनत की एक बहुत बड़ी फिल्म एक सौगात भोजपुरी सिनेमा को लेके उसकी आज शुरुआत श्री गणेश हो रहा है. तो इट्स अ हैप्पी डेज लाइक यू नो फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि जिस फिल्म का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से था वो फिल्म की डबिंग से हम लोग आज टेक ऑफ कर रहे हैं. नहीं उसका सीक्वल तो है. अमरनाथ जो कैरेक्टर इसमें डाल दिए और ये फिल्म में आपको भोजपुरी वाली वो जो एक कड़वाहट थी वो आपको नहीं मिलेगा. ये बिल्कुल जो प्योर भोजपुरी कहानी पहले हुआ करता था और अब हम चाहते हैं कि हम भोजपुरी को उस लेवल पे लाएं कि आप इज्जत के साथ भोजपुरी फिल्म बोलें तो लगे कि वाह क्या बनाएं. तो मैं चाहती हूँ कि हम मेरा घर है तो मैं चाहती हूँ मेरी भाषा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सारे लोग इज्जत से देखें, इज्जत करें. तो हमारी फिल्म उस दर्जे का है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड फिल्म. रवि जी जो अमरनाथ का नेगेटिव शेड पर रोल है? नहीं, ये अमरनाथ अब ये बहुत प्रेम करता है, ये अपनी बहन से प्रेम करता है, ये अपने परिवार से प्रेम करता है, अमरनाथ अपने संस्कृति से प्रेम करता है. सो ही इज़ बेसिकली अ लवर और वो पूरी तरह से प्रेमी है और अपनी बहन के प्रेम में वो आउट ऑफ द वे जाता है. फिर उसकी लाइफ में एक डॉक्टर भी एक नर्स भी आती है और कैसे डिफरेंसेस होते हैं. और आपको सुभाष घाई जी की सौदागर भी याद आ जाएगी, फिर ये गंगा मियाँ तुम्हें पेरी चढ़े वो भी याद आ जाएगी, नाज़िर हुसैन साहब की जो 1961 में भोजपुरी फिल्म बनी थी. डायलॉगबाजी में संतोष मिश्रा जी ने एकदम मतलब कमाल कर दिया है, शब्दों का चयन उन्होंने डायलॉग्स में बहुत अच्छा रखा है. लोकेशंस के लिए मैं झारखंड सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ने हम लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों की मदद की और झारक्राफ्ट से लेके उनका कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग हमारी फिल्म को बड़ा रिच बनाने में झारखंड की पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ है. तो ये क्या है कि झारखंड की सुंदरता हमारी फिल्म द्वारा दिखेगी, झारखंड में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है सरकार के वो हमारी फिल्म के द्वारा और हमारी कहानी में कैसे मर्ज हुए हैं वो आपको इसमें देखने मिलेंगे. तो मुझे लगता है कि इंटायर भोजपुरी सिनेमा और बहुत सारे सिनेमा दर्शक और मेकर्स झारखंड की ओर रुख करेंगे काशी अमरनाथ देखकर. रवि जी, मधुमेह, प्रियंका जी, ये इस तरह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, पहली फिल्म की मैडम ने, अभी दूसरी फिल्म कर रही है, शायद आगे तीसरी भी की जाएगी, क्या अच्छे संकेत हैं इस इंडस्ट्री के लिए? ये बहुत बड़े संकेत हैं. सबसे बड़ा कि मधु मैम का पैशन, इनकी ऑनेस्टी, ये बड़े अब बहुत ही प्राउडली देखती हैं भोजपुरी को. अगर किसी ने भोजपुरी को कुछ कहा तो इनको बहुत फील होता एंड दैट शी डजंट लाइक इट. और ये बड़ी जेन्युइन, ये बड़ी स्ट्रेट हैं, इनके पास इनको वो तियां पांचा बात करना नहीं आता, ये स्ट्रेट बात करती हैं, इनको स्ट्रेट चीज़ें पसंद हैं, इनकी बिलीव जो होती है ये उस पर अटल रहती हैं, विच आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट. कि अगर ये मानती हैं कि मुझे भोजपुरी को एक एक दिशा देनी है और उस पर ही अटल हैं और शी विल कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स, शी विल डेफिनेटली वेदर शी लूज मानी शी. वो पहली बात तो भोजपुरी फिल्म पैसे के लिए नहीं बना रही हैं, मराठी फिल्म, उनका एक पैशन है सिनेमा बनाना, एक अपने अपना एक ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना और काफ़ी लोगों को रोजी रोजगार देना. तो बहुत सारे इनके अच्छे ख्याल आते हैं और उसमें आज भोजपुरी इंडस्ट्री बिकॉज इन्होंने शुरू किया उसके बाद मुझे लगता है 20-25 नए और बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े लोग आने लग शुरू कर दिए. और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बम बम काशी के बाद से काफ़ी उछाल आया. सो ऑल थैंक्स टू हर.